हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो वुमेन ट्रेडर पर। फ्रेंड्स, मैं यहां पर लेकर आई हूं आपके लिए चार बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स, जिन्हें आप कल ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं, और उनका एनालिसिस भी करके बताऊंगी कि कल वो कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बने रहिए, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड, चलिए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम उन स्टॉक्स को लेंगे जो मैंने आपको कल प्रोवाइड किए थे ट्रेड करने के लिए, और हम देखेंगे उनकी परफॉर्मेंस आज कैसी थी। तो फ्रेंड, चलिए हम पहले स्टॉक्स ले लेते हैं उनको। तो उनमें से हमारा जो सबसे पहला जो स्टॉक था वो था फ्रेंड, यहाँ पर देखिए टाटा स्टील। तो फ्रेंड, टाटा स्टील में देखिए फ्रेंड, हमें यहाँ पर बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी मिली, और फ्रेंड यहाँ पर देखिए हमारा टारगेट, जो हमारे दोनों टारगेट थे, फर्स्ट सेकंड टारगेट हमारे यहाँ पर अचीव हुए, और इसने देखिए फ्रेंड, और अपना लो जो है लो बनाया है इसने 1158 पर, और फ्रेंड हमारा टारगेट अचीव हो गया था 1234 पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टाटा स्टील ने कितना बड़ा फॉल किया है। तो फ्रेंड फिलहाल तो हमारे दोनों यहाँ पर टारगेट अचीव हुए। तो अब हम देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक था वो था लुपिन। तो यहाँ पे लुपिन में आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर भी हमें सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी मिली, और हमारे दोनों टारगेट यहाँ पर हमारे अचीव हुए। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, अब हम देखते हैं अपना थर्ड स्टॉक। जो हमारा थर्ड स्टॉक था वो था सिप्ला। सिप्ला में आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर भी हमें सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी मिली, और हमारे दोनों ही टारगेट यहाँ पर देखिए अचीव हुए। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा जो लास्ट स्टॉक था वो था अमर राजा बैटरी। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, अमर राजा बैटरी में मैंने आपको बताया था कि जो है ये एक डब्लू पैटर्न क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये इसका रेजिस्टेंस था, तो इसने अपना डब्लू पैटर्न क्रिएट किया, करने के बाद ये इस रेजिस्टेंस को फेस करते हुए ये नीचे डाउन साइड को आ गया। तो हमें यहाँ पर सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी मिली, और हम सेल कर पाए, और हमारे जो टारगेट थे उसमें से हमारा इसमें पहला टारगेट अचीव हुआ। तो फ्रेंड ये थे कल के स्टॉक। अब हम यहाँ पर लेते हैं वो स्टॉक जिन्हें आप कल ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अपना पहला स्टॉक लेते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला स्टॉक है वो है SBI, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आप यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हैं, फ्रेंड यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाऊं तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने इस ट्रेंड लाइन पर कितनी बार रेजिस्टेंस फेस किया है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर सेकंड टाइम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ और सिक्स, यानी कि यहाँ पर इसने कई बार रेजिस्टेंस फेस किया है, और इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक नहीं कर पाई है। और अगर हम यहाँ पे डाउन साइड देखते हैं, जहाँ पर आज इसने क्लोजिंग करी है, तो इसकी क्लोजिंग पर मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सपोर्ट ले रही है। तो इसने इस लेवल पर कई बार सपोर्ट लिया है, आप देख सकते हैं इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाई। और फिर देखिए फ्रेंड, इसने सेकेंड टाइम यहाँ पर इस सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन प्रॉपर नहीं कर पाई, और फिर ये अपसाइड को मूव हो गई। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड थर्ड टाइम, और फिर यहाँ पर देखिए फ्रेंड ये फोर्थ टाइम। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इस ट्रेंड लाइन पर ये बार बार सपोर्ट ले रही है, और ये ऊपर की जो ये लाइन है यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का वर्क कर रही है, बार बार रेजिस्टेंस को फेस करती है, ये अपसाइड मूव नहीं कर पा रही है। अगर हमें कल के सेशन में अगर SBI ये इस ट्रेंड लाइन को, यानी अपने इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करती है, तो हमें यहाँ पर देखिए फ्रेंड सेलिंग साइड सेल करने का मौका मिलेगा। तो हम यहाँ पर सेल कर पाएंगे 472 पर। टारगेट होगा हमारा 469 का, फर्स्ट टारगेट है। सेकंड टारगेट है हमारा 467 का, और स्टॉप लॉस होगा हमारा 475 का। तो फ्रेंड अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करती है, और यहाँ से ये अपसाइड को मूव करेगी, तो हम यहाँ पर बाय कर पाएंगे। तो हम बाय करेंगे 480 पर।
टारगेट है हमारा 483 का, सेकंड टारगेट 485 और स्टॉप लॉस है हमारा 477 का। तो फ्रेंड ये है एसबीआई के लेवल। तो चलिए फ्रेंड अब हम अपना नेक्स्ट स्टॉक ले लेते हैं, सेकंड स्टॉक वो है अंबुजा सीमेंट। तो फ्रेंड यहाँ पर अंबुजा सीमेंट पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पर इसने यहाँ पर क्लोजिंग करी है, यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। तो मुझे यहाँ पर देखिए इस ट्रेंड लाइन पर कई बार ये सपोर्ट लेते हुए नज़र आई है। तो आप इस ट्रेंड लाइन पर देख सकते हैं इसने कितनी बार सपोर्ट लिया है। ये देखिए फ्रेंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यानी कि इसने कई बार इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट किया है, सपोर्ट को देखिए ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करने के बाद ये प्रॉपर सस्टेन यहाँ पर नहीं कर पाए और फिर से इसने अपसाइड को मूव दिया। तो अब हम कल के सेशन में देखेंगे कि कल ये कैसा परफॉर्म करती है, क्या ये अपने सपोर्ट को ब्रेक कर पाती है या नहीं। तो फ्रेंड अगर ये अपने सपोर्ट को ब्रेक करती है तो यहाँ पर हमें जो है सेल करने का मौका मिलेगा, तो हम यहाँ पर सेल कर पाएंगे। तो हमारा जो लेवल है सेल करने का वो लेवल हमारा है 355 का, टारगेट है हमारा 352, सेकंड टारगेट है हमारा 350 और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 358 पर। अगर फ्रेंड के इस सपोर्ट से वापस बाउंस बैक करती है और अपसाइड को मूव करती है तो हम यहाँ पर बाय कर पाएंगे। तो हमारा जो बाय का लेवल है वो है 360, यानी 360 पर हम बाय करेंगे और टारगेट रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट 363, सेकंड टारगेट 365 का और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 357 का। तो फ्रेंड ये है हमारा सेकंड स्टॉक, तो आप इसे कल ट्रैक कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हम ले लेते हैं अपना नेक्स्ट स्टॉक, तो वो है नेक्स्ट स्टॉक है हमारा विप्रो। तो फ्रेंड यहाँ पर विप्रो में देखिए फ्रेंड, विप्रो में आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन पर इसने देखिए फ्रेंड कितनी बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। और फ्रेंड ये जो नीचे की एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इसने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेकर ये फिर से अपसाइड को इसने मूव किया और यहाँ पर देखिए फिर से फ्रेंड ये इसी सपोर्ट के पास में है। तो कल अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो हम यहाँ पर जो है सेल कर सकते हैं 474 पर और टारगेट हो जो होगा हमारा वो होगा 470, सेकंड टारगेट 468 और स्टॉप लॉस होगा हमारा 478 का। अगर फ्रेंड ये इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करती है या इसी सपोर्ट से ये बाउंस बैक होती है यानी अपसाइड को मूव करती है तो हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं इसे 480 पर, यानी कि हम इसे बाय करेंगे 480 पर। टारगेट जो है हमारा 484 पर है, सेकंड टारगेट 486 का है और स्टॉप लॉस हमारा है 476 का। तो फ्रेंड कल के सेशन में आप इसे देख सकते हैं। और फ्रेंड यहाँ पर मुझे एक पैटर्न भी आप देख सकते हैं कि ये एक पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है जिसे डिसेंडिंग ट्रायंगल आप कह सकते हैं, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है ये। तो कल हम देखेंगे कि ये पैटर्न क्या वर्क करता है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम अपना लास्ट स्टॉक ले लेते हैं, लास्ट स्टॉक है हमारा आईजीएल यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस। तो फ्रेंड आईजीएल में देखिए आप फ्रेंड, आईजीएल में आप देख सकते हैं कि जो फिलहाल अभी जो इसका लेवल है 346 पर। तो फ्रेंड ये यहाँ पर देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, यहाँ पर देखिए मुझे बार बार यहाँ पर दिख रहा है कि ये सपोर्ट ले रही है इस लेवल पर आकर, यानी कि इस ट्रेंड लाइन पर ये इसने देखिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया और फिर यहाँ पर देखिए फ्रेंड थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, यानी कि इस ट्रेंड लाइन पर ये बार बार सपोर्ट ले रही है। और यहाँ पर अगर ये सपोर्ट को ये ब्रेक करती है
और ब्रेक करके ये डाउन साइड की तरफ मूव करेगी। तो हम यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सेल कर सकते हैं इसे 344 पर। टारगेट होगा हमारा 341 पर, सेकंड टारगेट 338 और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 347 का। सो फ्रेंड यहाँ पर देखिए अगर ये इस ट्रेंड लाइन को यानी कि अपने सपोर्ट को ब्रेक नहीं करती है और यहीं से ये अपसाइड को मूव करेगी या बाउंस बैक करेगी तो हम यहाँ पर देखिए फ्रेंड बाय कर पाएंगे 351 पर। टारगेट होगा हमारा 354 का, सेकंड टारगेट 356 और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 348 पर। सो फ्रेंड्स आप इसे कल देख सकते हैं कि कल ये कैसा परफॉर्म कर सकता है। मैंने यहाँ पर लेवल आपके लिए शो कर दिए हैं तो कल आप इसे ट्रैक कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये थे हमारे 4 स्टॉक जिन्हें आप कल ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं और जो इनका एनालिसिस था वो मैंने आपको बता दिया। उनके लेवल मैंने आपको बाइंग साइड और सेलिंग साइड दोनों साइड के लेवल प्रोवाइड कर दिए हैं तो कल आप इन्हें देख सकते हैं। सो फ्रेंड अब इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करूँगी और मिलेंगे हम कल। तब तक के लिए फ्रेंड गुड बाय एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।